निशा रसोई चैनल पर आपका स्वागत है। आज लेकर आई हूँ मैं मटन पसंदे की रेसिपी। मटन को मैंने ऐसा पतला पतला काट लिया और ये मेरा मटन है 500 ग्राम। आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्ची, 2 चम्मच अदरक लहसुन और हल्दी छोटा चम्मच और ये दही, मैं ये सारे लगाकर मसाले एक घंटे के लिए रख दूँगी। ये है मेरा पसंदे का मसाला। ये सूखा खोपरा है जिसको मैंने काट के रख ली। ये काजू है, ये बादाम में भिगा के रखी हूँ और ये नींबू है, तेज़पत्ता है गरम मसाले में, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, साजीरा है, दालचीनी है और ये है पुदीना, कोथमीर, हरी मिर्ची और ये है 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर और ऐसा मैंने ब्रिस्टा बना के रख दी हूँ। ये मेरे बादाम है जो मैं भिगा के रख दी हूँ। अब सारों को मैं भून के मैं एक पेस्ट बना लूँगी। एक चम्मच ऑयल डाल के इसको मैं भून लूँगी। अभी ये मसाले में सारे पीस रही हूँ। ये मैंने खोपरा, काजू, बादाम पीस ली, इसका पेस्ट बना ली और ये मेरे 2 कांदे का जो ब्रिस्टा बना के रखी थी ना वो भी मैं दरदरा पीस ली और ये है धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, इसको भी मैं इसमें मिला दूँगी और 2 चम्मच भर के मैंने ऑयल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। अब इसमें मैं खड़े गरम मसाले डालूंगी। इसमें ज़्यादातर लोग पपई भी लगाते हैं कच्ची, बाकी मैं पपई नहीं लगाई। अब मैं इसमें ये मटन को खोपरा और काजू और बादाम का पेस्ट भी डाल रही हूँ। कम से कम मैं 5 सीटी ले लूँगी और प्याज का पेस्ट मैं बाद में डालूँगी। ऑन कर दे। अभी इसको मैं गलने के लिए रख दूँ। अभी मेरा मसाला भून के हो गया है। अब मैं इसमें जो प्याज करके रखी थी ना मिक्सर में वो डाल दी, इसको डाल के थोड़ा भून लूँगी। मसाला भून के हो चुका है और पसंदे अच्छे खासे गल चुके हैं। इसमें अब मैं नींबू का एक रस डालूंगी और इसमें कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्ची डालता हूँ। पसंदे तैयार हो चुके हैं।
पसिंदे का सालन तैयार हो चुका है। इसको आप बघारे चावल के भी साथ खा सकते, गेहूं की रोटी के भी साथ खा सकते और नान के भी साथ खा सकते। एक नंबर लगेगा। लाइक करो।